छोटा भाई है। ये घटना तो वही बता सकती है कि कैसे ये घटना है। खैर मतलब ये कि 22 तारीख से दिखाई नहीं दिया, तो फिर हम लोग पता कर रहे थे कि कहीं रिश्तेदारों में होगा, ऐसे करके संदेह में रहे, पता करते रहे। फिर कहीं भी कोई भी रिश्तेदारों से पता नहीं चला। तो फिर मैं अपने पत्नी को बोला कि उस मोहित के पत्नी को बोलो कि वो भाई इतना दिन हो गया पता नहीं चल रहा है, तो जाके उसका रिपोर्ट वगैरह सूचना दें थाना में। तो 22 तारीख का घटना है, वो 11 तारीख को फिर हम बोले हैं, तो वो जाके वहाँ जानने की कोशिश किया। तो वो मतलब वो जो उनका मुख्य द्वार है वहाँ से निकलती थी और आके जहाँ घटना की थी उसके द्वार में बैठती थी, उसके द्वार में फिर उधर जाती थी, फिर उसमें हमको संदेह हुआ, फिर उसके अंदर हम घुसे तो वहाँ से बदबू आना शुरू हुआ, मक्खियाँ दिखाई दिए, और फिर वहाँ छपा हुआ दिखा, नया जगह है और वहाँ छपा हुआ, और फिर खाना बनाया हुआ चूल्हा और फिर हीटर वगैरह रखा है, और वो दिखाई दिया। फिर हमें संदेह हुआ, फिर थोड़ा उसको और हम थोड़ा जानने की कोशिश किए, तो हमें स्पष्ट लग गया कि हाँ यही है, ऐसे करके फिर हम सूचित किए मैं थाना में। 21 तारीख को मेरी जेठानी के साथ मेरे पति का नाजायज संबंध था, तो मैं भी देख डाली थी और इनको भी पता चल चुका था, तो उसी की वजह से मतलब मेरे को आकर घर में मैं उतना देखी भी, तो मैं अपने पति से मतलब कुछ नहीं बोली हूँ कि आखिर मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे को उल्टा मार पड़ेगा, इस करके कुछ नहीं बोलूँगी सर। फिर दिन में मतलब 10 बजे के अंदर ही अंदर मतलब ये काम पूरा हो चुका, ये आई तार निकाले, मेरे से बंधवाए पैर को, अपना हाथ 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 भी बांधे और जी आई तार से गला को मतलब मामला क्या है। दिनांक 22/10/2019 को ये मोहित बनावल जो वकील है ये कहीं लापता हो गया था, तो इसकी रिपोर्ट इसके भाई संतलाल ने आके थाने पर रिपोर्ट कराया था कि 22 तारीख को दोपहर 10 बजे से हमारा भाई कहीं चला गया, तो उस पर से हमने गुम इंसान कायम किया, गुम इंसान पर से हमने जांच किया, इश्तहार जारी कराया, उक्त गुमशुदा का मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी के लिए भी हमने साइबर सेल को भेजा, और मतलब जांच चल ही रही थी। कल 100 डायल के माध्यम से ये पता चला कि यहाँ से अर्जुन बनावल उसका जो भाई है उसने फ़ोन किया 100 डायल पे कि मेरे भाई को उसकी पत्नी ने यहाँ पे अपने घर पे ही मार के रखना दिया, ये उन्होंने शंका जाहिर किया था। उस पर से क्या है ये पॉइंट हमको जानकारी मिली, और उसके बाद उसकी पत्नी ने भी स्वयं फ़ोन ये लगाया वहाँ पे 100 डायल पे कि मेरे को यहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होकर के मारपीट कर रहे हैं, इस टाइप की बात थी। तो राजन ग्राम थाने से 100 डायल आया था, और 100 डायल आकर के फिर उसको पूछताछ के लिए हमने पूछताछ किया, तो फिर उन्होंने ये दुर्घटना को बताया। अब अभी तो ये जांच का विषय है, इस पूर्ण रूप से भी कोई कायमी भी नहीं हुई, पूरा जाँच करके उसके बाद अपन। खबरों की कतार लगातार, एमपी से जुड़ी हर खास खबर आपके मोबाइल पर आपके वक्त पर। एमपी न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।